आईपीएल 2021 के चौथे मुकाबले में सोमवार को केएल राहुल और संजू सैमसन आमने सामने होंगे। राहुल जहां पंजाब किंग्स की अगुवाई करेंगे तो वहीं संजू के हाथों में राजस्थान रॉयल्स की कमान होगी। दोनों ही टीमों ने इस बार नीलामी में खूब पैसे लुटाए और कई नए खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा। दोनों के पास ही विकल्प मौजूद हैं, लेकिन यही उनके लिए सिरदर्दी भी है। ऐसे में पंजाब और राजस्थान की कोशिश होगी कि वे अपने पहले मुकाबले में एक बढ़िया टीम संयोजन के साथ उतरें। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या हो सकती है इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इसमें राजस्थान की टीम में इस बार स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे हैं। वहीं संजू सैमसन पहली बार टीम की कप्तानी करेंगे। टीम को जोस बटलर और बेन स्टोक्स से ज्यादा उम्मीदें होंगी। यही नहीं, उसे अपने सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस से भी बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। टीम के लिए गेंदबाजी आक्रमण के साथ साथ बल्लेबाजी में मध्य क्रम पर बेहतरीन संयोजन की जरूरत होगी। राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन कप्तान के रूप में, बेन स्टोक्स, राहुल तेवतिया, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, श्रेयस गोपाल, मुस्तफिजुर रहमान, कार्तिक त्यागी, चेतन सकरिया शामिल हो सकते हैं। वहीं पंजाब किंग्स की बात की जाए तो पंजाब के पास विस्फोटक बल्लेबाजों का पूरा जखीरा मौजूद है। टीम ने अपने गेंदबाजी आक्रमण को भी इस बार मजबूत करने की कोशिश की है। बल्लेबाजी में उसके पास कई विकल्प मौजूद है। पंजाब की टीम में कई विदेशी खिलाड़ियों का विकल्प है, ऐसे में उसके लिए विदेशी कोटे से सिर्फ खिलाड़ियों को चुनना आसान नहीं होगा। संभावित एकादश की अगर बात करें तो इसमें क्रिस गेल, महंत अग्रवाल, केएल राहुल, निकोलस पूनन, शाहरुख खान, दीपक हुड्डा, क्रिस जॉर्डन, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, झाएं, रिचर्डसन शामिल हो सकते हैं।